हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक वर्ष पुराने मामलों में चालान पेश करने की मांग, जैन समाज के प्रतिनिधियों ने बाड़मेर एसपी को सौंपा ज्ञापन। जिले के बालोतरा पुलिस थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 168/20 और 287/20 में एक वर्ष तक चालान पेश नहीं होने पर जैन समाज के सदस्यों ने जिला पुलिस अधीक्षक से शीघ्र चालान प्रस्तुत करने की मांग की है। जैन समाज के सदस्य संजय बोथरा ने बताया कि अनूप मंडल पिछले कई वर्षों से जैन समाज को प्राकृतिक आपदाओं के लिए दोषी बताते हुए आमजन को गुमराह कर रहा है तथा पिछले वर्ष कोरोना महामारी के लिए भी जैन समाज को जिम्मेदार बताते हुए अनूप मंडल के साधु मुकना राम ने वीडियो जारी किया था, जिस पर बालोतरा निवासी रूपचंद सालेचा ने पुलिस थाना बालोतरा में उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 168/20 और 287/20 दर्ज करवाई थी। लेकिन एक वर्ष तक दोनों रिपोर्ट में मुलजिम के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे अनूप मंडल के सदस्यों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वे नित नए वीडियो जैन समाज के विरुद्ध जारी कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण जैन समाज में भारी रोष है। इस कारण आज तेरापन समाज के मंत्री गौतम बोथरा, भारतीय जैन संगठना के क्षेत्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश जैन, भारतीय जैन संगठना बाड़मेर के चैप्टर अध्यक्ष रमेश छाजेड़, युवा समाज सेवी संजय बोथरा ने मुलजिम मुकना राम के विरुद्ध एक वर्ष तक चार्जशीट प्रस्तुत नहीं करने पर शीघ्र चार्जशीट प्रस्तुत करने का ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को सौंपा। जिला पुलिस अधीक्षक ने शीघ्र ही दोनों प्रकरणों में चार्जशीट पेश करने का आश्वासन दिया। शिवाजी ग्रुप के अध्यक्ष कैलाश मेहता ने बताया कि अनूप मंडल के सदस्यों ने जैन समाज के आचार्य विमल सागर के पोस्टर जलाए हैं और जैन समाज के विरुद्ध सोशल मीडिया में नए नए वीडियो जारी कर जैन समाज पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसके विरोध में शिवाजी ग्रुप शीघ्र ही आंदोलन करेगा। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।